हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमन कुमार और आप लोगों को अमन टीचिंग सेंटर में स्वागत है। 8 क्लास के विद्यार्थियों के लिए पिछले वीडियो में मैंने बनाया था एक चर का रैखिक समीकरण का पार्ट 1 और उसी का पार्ट 2 आज चलते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन करवाना था। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था और आगे देखते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। दो प्रश्न है बोर्ड पर आप लोगों के सामने, तो ये टाइप हम पिछले वीडियो में बनाए बता दिए हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसको। चलिए आते हैं। दिया गया समीकरण क्या है विद्यार्थी जी? सबसे पहला प्रश्न में दिया गया समीकरण है 3x-10=25। अब आप लोग तो ध्यान देखे थे पिछले बार, ये जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, कोई राशि इधर से उधर भेजना हो तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस वाला चेंज होके माइनस हो जाता है और माइनस वाला चेंज होके प्लस हो जाता है और इनटू वाला चेंज होकर यानी भाग में डिवाइड या बटा में हो जाता है और जो भाग या बटा में रहता है उधर जाके इनटू या गुना में हो जाता है। तो उसी के आधार पर हम लोग इसको भी बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा 3x, ये 10 इधर माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो बराबर 25+10 या 3x, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा विद्यार्थी जी? 35। अब 3 इधर इंटू में उधर जाके भागा होगा यानी बटा में, तो x बराबर 35/3, इट इज योर आंसर। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी जी? दिया गया समीकरण है 2x-4=7-2x। ध्यान दीजिए, ये समीकरण जो है इसमें चर तो एक ही है पर ये चर दो जगह आया है, तो मैं ये ध्यान देंगे हम लोग कि चर वाले पद को एक तरफ कर देंगे और संख्या वाले पद को एक तरफ कर देंगे, तो उधर से इधर लाना आसान होगा क्योंकि माइनस में उधर है तो प्लस इधर ओके हो जाएगा। तो यहां तो 2x ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2x=7। अब ध्यान दीजिए, इधर माइनस में 4 था उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 2x और 2x जोड़ेंगे तो 4x=7 = 11। अब 4 इधर इंटू में है उधर जाके बटा हो जाएगा, तो इसीलिए x=11/4, इट इज योर आंसर। बहुत आसान है, ये पिछला टाइप ही था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा दूसरे टाइप में, बटा वाला भिन्न वाले प्रश्न में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सवाल वही है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें।
आप लोग को प्रश्न दिख रहा होगा, पहले आप लोग हल करेंगे, इसके बाद मैं हल करता हूं। सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसे लिखेंगे, है ना। तो क्या दिया हुआ समीकरण है, 3x माइनस 2 बटा 3 बराबर 5 माइनस 2 बटा 3x, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें चर वाले पद को एक तरफ करेंगे और अचर पद को यानी संख्या वाले पद को एक तरफ करेंगे, या 3x ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 बटा 3x इक्वल इधर 5 तो था, अब इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में था उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इसे कुछ नहीं तो इसके नीचे बटन 1 है, इसके नीचे भी 1 है, अब इसमें एलसीएम लेंगे 3 और 1 का तो कितना होगा, 3 होगा, 1 से कितना बार में, 3 बार में, तो 3 दिया 9x प्लस, तो प्लस 3 से 1 बार में 1 गुना 2 तो 2x, इधर तो हो गया। चलिए इधर देखते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा विद्यार्थी जी, अब 1 से 3 बार में 3 बचे 15 प्लस तो प्लस, 3 से 1 बार में 3 कट जाएगा तो 1 से गुना होगा 2 में तो 2 होगा। अब ध्यान दीजिए, बराबर का बीच में चिन्ह हो, इधर उधर समान राशि हो और समान चिन्ह भी हो तो कटता है, तो देखिए 3 से 3 कटेगा नीचे, आप ऊपर ध्यान दीजिएगा 9x और 2x जोड़ के कितना x हो जाएगा, 11x हो जाएगा, बराबर 15 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 11 इधर गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 17 बटे 11, इट इज योर आंसर। इसी प्रकार से इस सवाल को भी हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, समीकरण क्या दिया हुआ है विद्यार्थी जी, 5x माइनस 4 इक्वल टू 2 बटा 3x माइनस 5 बटा 6। ध्यान दीजिए इसमें भी चर वाला पद 2 को है और संख्या वाला पद भी 2 है ना। तो देखते हैं, या तो 5x, अब इधर इसको ले आते हैं, उधर प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 बटा 3x इक्वल टू ये माइनस में 4 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस में 5 बटे 6 तो पहले से था उसे लिख देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं तो एक तो किसी भी राशि के हर में छिपा हुआ रहता है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, 1 से कितना बार में कट रहा है, 3, 3 बार में तो 3 बचे 15x माइनस तो माइनस, 3 से 1 बार में 1 गुना 2 तो 2x बराबर, तो बराबर कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होगा। आप ध्यान दीजिए 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 1 से 6 बार में 6 गुना 4 6 24 माइनस तो माइनस, 6 से 1 बार में 1 गुना 5 तो 5, है ना। आप ध्यान दीजिए नीचे कट भी रहा है, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, अब आ गया आप लोग को 15x में 2x गया तो 13x बराबर, 24 में 5 गया तो 19 बटा 2, है ना। आप ध्यान दीजिए 13 इधर इंटू में है उधर जाके बटा में हो जाएगा, तो इसीलिए x इक्वल टू 19 बटा, इधर तो 2 ऑलरेडी था तो आया 13, था 13 इसमें नीचे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा आंसर आपका 19 बटे 13 तो नहीं 26, समझ में आया। तो समझ में आया तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न पर, है ना। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, उतारिए,
चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, यानी ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में गुना करने वाला टैब जो है इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें हमें यह ध्यान देना होगा कि जिस राशि में ब्रैकेट हो उसके अंदर यदि कोई राशि से गुना करना हो तो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद में गुना होता है ना। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया गया समीकरण क्या है विद्यार्थी जी, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है 7 × x - 5 = 5 × x - 8 है ना। तो देखिए 7 से जो है आपको पहले x में गुना होगा फिर 5 में होगा, पर इसमें ध्यान ये देना है कि इसके चिन्ह को भी ध्यान देते हुए चलना है ना। तो 7 गुना x तो क्या होगा 7x होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा ये भी थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, प्लस को यदि हम गुना करेंगे प्लस के साथ तब तो प्लस ही आएगा, यदि प्लस को हम गुना करेंगे माइनस के साथ तो माइनस आएगा, यदि माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तब भी माइनस आएगा, और यदि माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तब प्लस आएगा। अर्थात यदि समान चिन्ह हो, समान चिन्ह हो तो प्लस आता है, और असमान चिन्ह हो एक प्लस एक माइनस तो माइनस आता है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 7 गुना x तो 7x, अब प्लस में ये माइनस में तो माइनस होगा। अब 7 × 5 = 35 बराबर तो 5 गुना x क्या होगा विद्यार्थी जी 5x होगा, फिर माइनस है तो माइनस होगा 5 × 8 = 40। अब हम इससे पहले वाले टाइप में देखे थे कि जब दो चर आ जाए तो एक चर यानी चर वाले पद को एक तरफ करेंगे और संख्या वाले पद को एक तरफ करेंगे। तो चर वाला पद इधर दिख रहा है एक यहाँ दिख रहा है तो एक तरफ करते हैं, इधर ही लाना आसान होगा। तो 7x तो पहले से था, आप ध्यान दीजिए 5x है जो आपका प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर। अब 35 इधर माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस 40 है ना। तो ध्यान दीजिएगा 7x में 5x गया तो 2x बराबर, 35 में 40 जाएगा तो माइनस 5। अब दो इधर गुना में उधर जाके भागा में तो इसीलिए x बराबर -5/2 इट इज योर आंसर। समझ में आ रहा, तो आप लोग दूसरा बना के देखिए है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं है ना। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है विद्यार्थी जी 3 × x - 2 = 8। तो इसमें ये तो बहुत आसान है, इससे भी हल्का है। तो 3 × x तो 3x, माइनस तो माइनस, 3 × 6 = 8। तो 3x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो 8 में जोड़ेंगे 6 तो 8 6 कितना होगा 3x = 14। आप 3 इधर गुना में उधर आके भागा में इसीलिए x = 14/3। ये बहुत आसान था। चलिए हम लोग चौथा तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है 6 × 3y + 4 + 6 = 5y - 7। इसमें चर पद जो है बाई के रूप में है, यानी चर राशि जो है यहाँ बाई है, तो बाई का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ब्रैकेट के जो प्रोसेस है उसके अनुसार उसमें गुना करेंगे। तो 6 से 3 y में गुना करेंगे 6 × 18 + 6 = 24, यहाँ भी +6 है ना। ब्रैकेट के अंदर की राशि से ब्रैकेट के बाहर का यानी जो राशि होगा उसके प्रत्येक पद में गुना होगा, ऐसा नहीं कि 6 में इससे भी गुना करें, नहीं बराबर तो बराबर।
पांच बाई माइनस सात। आप ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यानी बाई वाले पद को एक तरफ करेंगे और संख्या वाले पद को एक तरफ करेंगे, तो इधर अठारह बाई है, अब पांच बाई इधर प्लस में था, इधर रहेंगे तो माइनस होगा, है ना। अब प्लस चौबीस में छह जोड़ेंगे तो तीस होगा, बराबर तो बराबर, माइनस सात रहने देते हैं, इसके अगले स्टेप में करेंगे। अठारह बाई में पांच बाई चला जाएगा तो कितना बाई बचेगा विद्यार्थी जी, तेरह बाई, और इसको उसको तो भेजेंगे तो बराबर माइनस में सात पहले से था और तीस इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस तीस हो जाएगा, है ना। या तो तेरह बाई बराबर माइनस सात माइनस तीस, माइनस माइनस जुड़ता है परंतु चिन्ह माइनस का, तो चिन्ह माइनस का रहेगा, तीस में सात जोड़ेंगे सैंतीस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तेरह इधर इंटू में उधर जाके बटा हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर माइनस सैतीस बटे तेरह, क्लियर आंसर। इसी प्रकार से चौथा आप लोग बनाइएगा, है ना, आप लोग बनाइए चौथा। चलिए अब हम लोग चौथा सवाल पर ध्यान देते हैं। चौथा दिया गया समीकरण क्या है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा, दिया गया समीकरण आपका है थ्री इंटू सेवन एक्स माइनस फोर बराबर टू एक्स माइनस टू, है ना, तीन इंटू सेवन एक्स तो सातिया इक्कीस एक्स माइनस तीन चौके बारह, है ना, बराबर टू एक्स माइनस टू। अब x वाले पद को एक तरफ करेंगे और संख्या वाले पद को एक तरफ करेंगे, तो उसको इधर लाते हैं तो इक्कीस एक्स में इधर घटेगा 2x बराबर माइनस में 12 उधर जाके प्लस 12 माइनस 2, या इक्कीस एक्स में 2x घटाएंगे तो 19x बराबर 12 में 2 गया तो 10, है ना, तो इसीलिए x बराबर 10 बटे 19। तो ये चारों प्रश्न को हम लोग हल कर दिए हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप पर हम लोग आते हैं, है ना, तो अगला टाइप में भिन्न वाला देखेंगे। आइए अब हम लोग चौथा टाइप देखते हैं, है ना। चौथा टाइप में आपको यानी तिरछा तिरछी गुना करने का नियम है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ध्यान देंगे। इसमें जब भी गुना होता है तो पूरे राशि का गुना होता है। पहला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, दिया गया समीकरण क्या है, 2x प्लस सेवन बटा 3x प्लस फाइव इक्वल टू 4 अपॉन 5, है ना। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, तिरछा तिरछी गुना करने का मतलब है ये पांच जो है ये ऊपर वाला से गुना करेगा, यानी इसका तिरछा तिरछी ये हो रहा है, इसका इसका क्रॉस जो है ये हो रहा है, इसका क्रॉस ये हो रहा है, तो पांच जो गुना करेगा ये पूरे से गुना करेगा और चार जो गुना करेगा इससे पूरा से करेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए हम लोग चार को गुना करेंगे तो चार जो है गुना हो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर 5 इंटू 2x प्लस 7, है ना। अब देखिए ये टाइप नंबर टू पर आ गया, टाइप नंबर दो में हम लोग इसी प्रकार से सीखे थे, देखेंगे तो चार तिया 12x प्लस चार पचे 20 बराबर पांच दूना 10x प्लस पांच सते 35, है ना। तो अब एक यानी एक राशि को एक तरफ कर देंगे, x वाले पद दो को है एक तरफ कर देते हैं, तो 12x इधर आएगा तो माइनस 10x बराबर 35 और उधर जाके 20, है ना, माइनस हो जाएगा। या 12x में 10x गया तो 2x बराबर 35 में 20 गया तो 15। आप ध्यान दीजिएगा दो इधर गुना में उधर जाके बटा हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर 15 बटा 2 आंसर आ गया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड भी बना लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग।
पिछला वीडियो जो आया था उसमें पूरा क्लीन नहीं दिख रहा था, इसमें तो आप लोग क्लीन दिख रहा होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स माइनस सेवन बटा टू एक्स प्लस चार बराबर दो बटा तीन, है ना। इसमें भी वही बात, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो दो जो है गुना करेगा टू एक्स प्लस चार से और तीन गुना करेगा एक्स माइनस सेवन से, है ना। तो दू दूना चार एक्स प्लस तो प्लस दू चौके आठ बराबर तीन गुना एक्स तो तीन एक्स माइनस तो माइनस तीन साते इक्कीस तो चार एक्स। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस तीन एक्स हो जाएगा बराबर तो बराबर। माइनस में इक्कीस पहले से था, आज इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो चार एक्स में तीन एक्स गया तो एक्स बराबर माइनस इक्कीस और माइनस आठ, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस उन्तीस योर आंसर। चलिए टाइप नंबर चार क्लियर हुआ। इससे संबंधित